नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे तुमचे पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हिंदी या विषयाचे बोर्ड दोन हजार तेवीससाठी महत्त्वाचे प्रश्न पाहणार आहोत जे एक्झाममध्ये येऊ शकतात तर चला तुमचा बिलकुल टाईमपास न करता तर व्हिडिओला सुरुवात करूया तर प्रश्न परीक्षेत पहिला विभाग असतो विभाग एक गद्य त्याच्यामध्ये वीस मार्काला असतात तर हे जे आहे हे जो उत्तर आहे तर हे उत्तर तुम्हाला बोर्ड परीक्षेत येऊ शकतो आज आप खुली तो मैंने अपना आपको एक बिस्तर पर पाया इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे आग खुलते ही उन चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई मैंने कराते हुए पूछा मैं कहा हूँ आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं आपका एक्सीडेंट हो गया है सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है इसलिए रुका रहा अब मैंने अपनी टांग की ओर देखा तो मेरी टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सारे स्टैंड पर लटक रही थी मेरे दिमाग में एक, और एक जन्म हुआ टांग का टूटना सार्वजनिक सार्वजनिक अस्पताल 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 में कुछ दिन रहना का ख्याल आते ही ही मैं उठा वही से ही खतरनाक शब्द होता है फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका दे समझ जाना कि परमा आत्मा का परमात्मा से मिलन होने का समय आ गया अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग का टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना तर इस पर पहला प्रश्न है प्रवत प्रवत तालिका पूर्ण कीजिए लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर आकृति पूर्ण कीजिए दूसरे लेखक के लेखक के लेखक के टांगों की स्थिति तरले लेखक ने अपने टांग को देखा तो एक एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग की थैली के सारे स्टैंड पर लटक रही थी उसके बाद लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना लेखक की दृष्टि से घटना क्या है लेखक की टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना सूचना के के अनुसार जे जवाब जवाब का लिंग है पुलिंग उसके बाद विधा शब्द है सवाल वचन परिवर्तन है एक वचन और समानार्थी शब्द है सवाल अब आ, सोमत सावधानी हटी दुर्घटना घटी इस पर अपने विचार लिखे दो मार्क के लिए दूसरा पठित परिचय थे गुलाम की प्रथा संचार भर में हजारों वर्षों तक चल रही थी उस लंबे अरसे में विद्वान तत्वता और साधु देख रहे रहते हुए भी वह चलती रही इस पर गुलाम की प्रथा मिटने के कारण संजालपुर पूर्ण कीजिए दो मार्ग के लिए है उसके बाद चलते अगले प्रश्न की तरफ तुलना कीजिए राज सत्ता लोक सत्ता उसके बाद उत्तर लिखिए समाप्त तो हुई दो प्रथाएं गुलामी की प्रथा और संपत्ति के दो समाप्त हु हुई दो प्रत पहला है गुलामी की और दूसरी है राज सत्ता उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखे कुकर्म चिरंजीव थक थकान दुख दुखी समाज परोपकार वृत्ति के बल ही समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ उच सकता है इस इस कथम से संबंधित अपने विचार लिखे स्वमत लिखी इस पर दो मार्क के लिए मनु दो मार्क के लिए है ये प्रश्न के बाद अगला पैराग्राफ परिच्छेद परिच्छेद है पठित की पढ़कर पठित परिच्छेद को पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए इस पर है कुछ देर के बाद अपनी टैक्सी मड़गांव से पाँच किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनीलम के एक रिसोर्ट में आकर रुकी वो रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने सीट से चले थे इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा के कुछ खास बातें बता दरअसल गोवा दो राज्यों में बांटे हुए दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला इस राजधानी पंजी मंडवी नदी किनारे स्थित है यह नदी काफी बड़ी तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है फिर भी समुद्री इलाका के कारण यह मौसम में प्राय मौसम तथा हवा में नमी बन रहती है शहर चिप रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं क्योंकि वह यह क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है फिर भी धूप की तीखी होती परिचेद में परिचेद में लिखित गोवा का मौसम उसके बाद नाम लिखिए परिचेद में लिखित गोवा के रो भाग उसके बाद परिचेद में लिखित मांडवी नदी की विशेषताएं उसके बाद है कोष्टक में दिए गए साधन में विशेषण संलग्न नीचे दी गयी तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखे अपने विचार लिखे प्राकृतिक सुंदर बनाए रखने में, में मेरा योगदान इस पर अपने विचार लिखे दो के लिए इसके बाद एक पटित परिचय दिए गए उस पर प्रश्न है गद्यांश में आए नाम संदेश सरोज बापू रेहाना उसके बाद है एक दो शब्दों में उत्तर लिखे काका जी द्वारा सरोज, सरोज को भेजा हुआ संदेश पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ उसके बाद है तबीयत से कमजोर सरोज तारों के नक्शे में बनाने के लिए उपयोगी कंपास बॉक्स काका जी ने इन्हें अपने पास से निकाल लिया फूल के गमले पर एक दो विरोधा शब्द ढूंढकर लिखे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे सात सात दिनों दो, के समूह सप्ताह दो दुर्बल है उसे कमजोर कहते अपने मन में भावों को अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने के साधन इस विषय पर अपने विचार लिखे उसके बाद हम आते हैं पद्य पद्य है अपने को बारह अंक के लिए उसमें अब पहला परिचय संजाल पूर्ण कीजिए अपने अच्छे कर्म का संदेश उसके बाद निम, निम्नलिखित शब्दों के तदित शब्द लिखे पत्थर शहर, उसके बाद पद्यांश में आए शब्द लिखे दर्पण पथरीला शेरी, मात्र आईना, सिर्फ पद्यांश में गिरे पद्यांश की दो अंतिम पंक्तियों का सरल तरीके जिंदगी की शक्ल फिर अगला पटी पद्यांश है इस पद पद्यांश पर प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए पद्यांश में आए ऋतुओं के नाम धूप छाया उत्तर आने वाला प्रश्न बनाओ निम्नलिखित शब्दों को प्रत्यय लगाकर नए शब्द बने निम्नलिखित शब्दों के पद्यांश में आए शब्द, शब्द लिखे पद्यांश की अंतिम चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखे उसके बाद अगला पद्यांश है इस पर इस पर भी प्रश्न है गौरवशाली परंपरा के घटक निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए प्रस्तुत पद्यांश की किन्नी दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए फिर अगला है उस पर भी प्रश्न है संजाल पूर्ण कन्हैया के नाम रोजी और राजीव गिरिधर और गोपाल उसके बाद लिंग बदल कर लिखिए के शब्दों के सामना शब्द लिखिए कविता के प्रथम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए उसके बाद पूरक पठन पूरक पठन या दिया गया है उस पर प्रश्न है गली की विशेषता पेड़ का महत्व आठ से दस वाक्य में लिखिए उसके बाद अगला पूरक पठन है इस पर भी प्रश्न दिए पद्यांश में प्रस्तुत वीरांगनाओं के नाम देश की प्रगति की महिलाओं में भूमिका इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए उसके बाद अगला पूरक पठन है इस पर भी प्रश्न है गद्यांश में आए रिश्ते पति बेटे भतीजे अर्धांगिनी स्वार्थ रिश्तों के बीच दीवार बनना इस पर अपने विचार लिखे अगला पूरक पठन में पद है कवि की चाह देश की प्रगति में किसान का योगदान इस पर अपने विचार लिखे उसके बाद है उपयोजित लेखन उपयोजित लेखन में पहला है पहला है पत्र लेखन इक्कीस लोकमान्य नगर पुणे तीस से पराक्षा अपने फल्तन निवासी छोटे भाई सौरभ को पत्र लिखकर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उसे हार्दिक बधाई संदेश भेजता है सौरभ का पता राजेश लक्ष्मी नगर फल्तन 71 है अथवा अमन नगर की गली एक निवासी के नाते पत्र लिखे नगर की दूरदर्श और संकेत करते हुए पत्र संपादक जागृति अमन नगर को उसके बाद यह गद्याकलन प्रश्न निर्मिती करना उसके बाद उसके बाद है वृत्तांत समता विद्यालय कल्याण में मनाए गए, गए हिंदी दिवस समारोह का लगभग साठ से अस्सी शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए विज्ञापन लेखन भागीरथ विद्यालय ले, जलगांव में आयोजित अंग्रेजी भाषा संभाषण वर्ग के संबंधी लगभग साठ शब्दों में आकर्षण विज्ञापन तैयार कीजिए विदे, विदेशी भाषा संभाषण वर्ग स्थान समय तज्ञ मार्गदर्शक संपर्क उसके बाद एक कहानी लेखन निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लगभग सत्तर से अस्सी शब्दों में कांधलिखे घना जंगल एक सांप राह को काटना साफ साधु की संगति में उपदेश काटो साधु का दुबारा उपदेश निबंध लेखन में मैं सैनिक बोल रहा हूं या मेरी प्रिय पुस्तक उसके बाद हम फिर से हैं और भी प्रश्न है जैसे पत्र लेखन में भी ये प्रश्न है गद्य आकलन त लेखन सुभाष विद्यालय कल्याण में मनाये गये समारोह का लगभग साठ से अस्सी शब्दों में रुत्तांत लेखन कीजिए विज्ञापन लेखन उसके बाद कहानी लेखन चार चोर धन भूख मिठाई कुआ और निबंध लेखन में अगर दर्जे हड़ताल कर दे आज का सामाजिक वातावरण तो दोस्तों इसी प्रकार हमने इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे अगर आप आपको पसंद आए तो वीडियो को, को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इन्हीं में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं